जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022, पिछले महीने इसका टेंडर निकाला गया था और टेंडर की लास्ट डेट जो थी वह थी 30 जून। तो बहुत सारे दोस्त यहाँ पर मैसेज करके पूछ रहे हैं कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के टेंडर का क्या हुआ, फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, कौन सी कंपनी एग्ज़ाम कराने वाली है और एग्ज़ाम इसका कब तक होगा और सेफ स्कोर के बारे में भी लोग पूछ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्त, आपको बता दें, यूपी पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं, UPSI या फिर रेडियो ऑपरेटर, सब में एक चीज़ कामन है जिसका नाम है मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है, मानसिक अभिरुचि वाला सेक्शन सब में कामन है और यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आया तब भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर का हो जाता है। तो इसको हमने पहले भी पढ़ाया था लेकिन इस समय इसके क्लासेस चल रही हैं और पूरी की पूरी यहाँ पर थ्योरी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, थ्योरी क्लासेस में यहाँ पर आपको पूरा डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी जैसे पढ़ाई जाती है, उसके बाद यहाँ पर MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन भी कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा, एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास जल्दी अपलोड हो जाएगी। बात करें यहाँ पर, देखिए, हालांकि इसको हमने पहले भी बताया है लेकिन यहाँ पर केवल MCQ था और वो अभी इधर उधर से छिटका हुआ था, लेकिन हम सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज यहाँ पर करा रहे हैं। देखिए, टेंडर की बात कर लें तो टेंडर यहाँ पर आपके लिए थोड़ी निराशाजनक खबर है क्योंकि इसकी जो तिथि थी 30 जून निर्धारित की गई थी कि 30 जून तक कंपनी को अपनी निविदा अपनी टेंडर को भर देना है, लेकिन जो यहाँ पर अब तक खबर निकल के आ रही है कि 30 जून यानी कि आज तो हो गया एक और ये टेंडर अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, अब थोड़ा निराशा तो है ही। देखिए, टेंडर आखिरकार फाइनल क्यों नहीं हो रहा है? यूपी में नकल का खौफ इतना है कि कोई कंपनी टेंडर लेना ही नहीं चाहती। ठीक है, कितनी बार इसका टेंडर निकाला जा चुका है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का निकाला जा चुका, लेकिन नकल के खौफ के आगे इसका टेंडर पास नहीं हो पा रहा है। तो आखिरकार कब तक होगा टेंडर पास? तो देखिए, टेंडर तो पास होगा ही क्योंकि अब आने वाले में 52,000 के करीब अब कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, तो इसको भी आयोग को कराना ही है। और इससे पहले हमारा रेडियो ऑपरेटर का भर्ती 100% कंप्लीट होगा, तो टेंडर तो आज नहीं तो 10-15 दिन बाद पास तो होगा ही, तो टेंडर पास होकर के रहेगा, बिना पास हुए एग्ज़ाम कैसे हो सकता है? तो देखना होगा आखिरकार कब तक पास होता है, फ़िलहाल अभी पास नहीं हुआ है। और यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा? तो देखिए, एग्ज़ाम की बात कर लें तो अभी तो फ़िलहाल टेंडर ही नहीं पास हुआ है, टेंडर पास होने के 2 महीने के अंदर ही, ठीक है, 2 मंथ के अंदर ही यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसा ही लगभग होता आ रहा है। एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम अक्टूबर तक जाता हुआ नज़र आ रहा है, अक्टूबर तक एग्ज़ाम इसका कराने की संभावना बढ़ रही है। ठीक है, तो अक्टूबर तक एग्ज़ाम के चांसेस हैं और इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम होना ही है। अब बात कर लें यहाँ पर, देखिए, बहुत सारे दोस्त यहाँ पर, कई लोगों का कमेंट आया था कि सेफ स्कोर यानी कि रेडियो ऑपरेटर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाइए। तो दोस्त, अभी तक पेपर ही नहीं हुआ, पेपर तो छोड़ो, अभी टेंडर ही नहीं पास हुआ, तो इसका अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं बिना पेपर के लेवल के जांचे हुए? फिर भी यदि UPSI जैसा पेपर आया, UPSI के जैसा पेपर हुआ, तो इसका सेफ स्कोर आप मान के चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेफ स्कोर यहाँ पर मान चलिएगा 300, ठीक है, 400 नंबर में से, ठीक है, 1 सेकेंड, 400 नंबर में से 300 टारगेट लेकर के चलना है, 300 आपका टारगेट रहना चाहिए और इतना लगभग आ जाता है UPSI जितना अगर लेवल इसका आया, तो 300 प्लस ही रहने वाला है, 300 के आसपास इसका रहने वाला है, यह एक अनुमान है, बाकी पेपर के लेवल पर यह डिपेंड करेगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ काम की। तो यहाँ पर देखिए, जैसे पुलिस प्रणाली की बात करें तो आपने यदि नहीं देखा, यह सभी क्लासेस आपकी जल्द स्टार्ट होंगी, कोई एग्ज़ाम डेट के बारे में बढ़िया सूचना तो मिले, टेंडर तो पास हो, क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं मेंटल एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है यहाँ पर पुलिस प्रणाली, तो पुलिस प्रणाली को हमने डिटेल से यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। इसमें यहाँ पर शुरुआत क्या हुआ था, जनहित यानी कि पब्लिक पुलिस प्रणाली हमने पढ़ा दिया है और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर जनहित स्टार्ट होगा। इसके बाद MCQ के फॉर्म में भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, तो टेलीग्राम पर भी आप हमारे जुड़ सकते हैं, यही सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बाकी कुछ यदि आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट खुला है, आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्त, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, यहाँ से आपको सूचनाएँ मिलती रहती हैं।